अरे मम्मी जी, जल्दी जल्दी चाय बनाओ ना, जल्दी जल्दी। मैं यहाँ पे 2 घंटे से चाय के इंतजार में बैठा हूँ और तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई है। मैं तो काम छोड़ के आया था चाय पीने के लिए, मगर तुमने अभी तक चाय बनाई नहीं है। पता नहीं कितनी देर लगाओगी आप। परेशान क्यों हो रहे हो? आप नाराज क्यों हो रहे हो? बस चाय बनने ही वाली है, अभी मैं आपको देती हूँ उतार के, आप पी लेना। क्या बताऊँ, मेरे बेटे राहुल, चीनी खत्म हो गई थी, इसीलिए मैं दुकान पे खरीदने के लिए चीनी चली गई, इसीलिए 2 घंटे हो गए। अरे मम्मी जी, मैंने आपसे शाम ही कहा था, जब सौदा खरीदने के लिए गया था मैं योगी जी की दुकान पर, मैंने कहा था कोई सामान अगर खत्म हो गया हो तो तुम मुझे मम्मी जी बता देना, मैं योगी जी की दुकान पर से खरीद के ले आऊंगा सामान। मम्मी जी, तुमने कहा कि सारा सामान पूरा, अब तुम कह रही हो कि चीनी खत्म हो गई थी। आप मुझसे कह देती तो योगी जी की दुकान पर से सस्ते दामों में चीनी खरीद के ले आता मैं, क्योंकि वो मुझे सस्ते दामों में चीनी दे देते हैं, सस्ते दामों में सौदा दे देते हैं, उन्हीं की दुकान पे से सौदा खरीद के लेके आता हूँ मैं। भाई राहुल, तुम कैसे काम छोड़ के आ गए? मैं आपको वहां पर काम पे देख रहा था, लालू जी भी काम कर रहे, अखिलेश जी भी काम कर रहे और केजरीवाल जी भी काम कर रहे थे, मगर आप मुझे नहीं देखे तो मैं आपके घर पे देखने के लिए आ गया। और राहुल जी, क्या बात है, क्या दिक्कत है, कैसे काम छोड़ के आ गए आप? मोदी जी, तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो बस यूं ही चाय पीने के लिए आ गया था अपने घर पे, क्योंकि सुबह चाय में पी कर नहीं गया था, काम पर जब गया था तो इसीलिए मैं चाय पीने के लिए आ गया, मगर जब यहाँ पर आया तो चीनी खत्म हो गई थी, मम्मी जी दुकान पे से चीनी खरीद के लेके आई, उसके बाद में चाय पकने के लिए रख दी मम्मी जी ने, इसीलिए मैं लेट हो गया। बैठो बैठो, आप भी चाय पीना मेरे साथ में। मम्मी जी, जरा एक कप और बढ़ाकर चाय बना देना मोदी जी के लिए। वो राहुल जी, तुम मुझसे कहते मैं वहीं पर आपको एक कप बनाकर चाय पिला देता, मगर तुम काम छोड़ के ऐसे आओगे बार बार काम छोड़कर, तो काम कैसे हो पाएगा? ऐसे तो काम हो भी नहीं पाएगा मेरा ठीक तरीके से। मेरे बेटे राहुल, ये बात तो मोदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बैठो मोदी जी, आप भी मेरे बेटे राहुल के साथ में चाय पी लेना, और मेरे बेटे राहुल, जब भी तुम काम पर से आओ तो मोदी जी को बता कर आना और